बहुत सारे पेशेंट्स को जिनको एवास्कुलर नेक्रोसिस का प्रॉब्लम होता है उनके एक हिप में एडवांस चेंजेस यानी कि ग्रेड 3 ग्रेड 4 एवियन होता है और दूसरे हिप में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 एवियन भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स का अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या मुझे दोनों तरफ THR करना चाहिए, क्या दोनों तरफ कोर डिकम्प्रेशन करना चाहिए, या फिर मैं एक तरफ THR और एक तरफ कोर डिकम्प्रेशन कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। पिछले 19 सालों में हमने 3000 से भी ज्यादा हिप एंड नी प्रॉब्लम के पेशेंट्स को ट्रीट किया है, जो कि हमारे पास इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और दूसरी नेबरिंग कंट्रीज से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और खासतौर पर वो पेशेंट्स जिनको प्रिसाइज सर्जरी चाहिए, जिनको मिनिमम टाइम के अंदर रिटर्न टू वर्क चाहिए, वो पेशेंट हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना ट्रीटमेंट हमसे कराते हैं। आज के इस वीडियो में आप मिलेंगे मिस्टर आरजू आलम से, जो कि ऑफिस गोअर है, उनका सिटिंग जॉब है और उनके एक हिप के अंदर ग्रेड 4 एवियन था और दूसरे हिप के अंदर ग्रेड 2। तो उनकी कैसी रिकवरी रही, उनका हमने क्या ट्रीटमेंट किया और वो क्या क्या एक्टिविटीज अब कर पा रहे हैं ऑपरेशन के 2 महीने के बाद, आइए देखते हैं इस वीडियो में। So, ये पेशेंट का पेल्विस विद बोथ हिप्स का एक्सरे है जिसमें हम इनके दोनों कूल्हे देख पा रहे हैं। राइट कूल्हे के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ सफेद रंग के चेंजेस हैं जो कि टाइप 2 एवियन के निशानी है, जबकि लेफ्ट साइड पे हेड बिल्कुल फ्लैट हो चुका है और पेशेंट को चलने में बहुत परेशानी है, इसी वजह से इनके चलने में लंगड़ापन भी आ गया है। और ये पेशेंट का MRI है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि राइट साइड जो है उसके अंदर जो फीमर का हेड है वो अभी भी गोल है, जबकि लेफ्ट साइड पर हेड का शेप चेंज हो चुका है, फ्लैट हो चुका है हेड, जैसा कि हम एक्सरे में देख पा रहे थे, और साथ साथ उनके एसिटाबुलम के अंदर भी चेंजेस आ गए हैं। ऐसा होने से पेशेंट की मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, डेली रूटीन की जो मूवमेंट्स होती हैं, और साथ ही साथ उनको चलने में बहुत दर्द भी होता है। आरजू आलम के साथ, इनकी उम्र 34 इयर्स है। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? ये फरीदाबाद। ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं और ये हमारे पास आज से कुछ 3-4 दिन पहले अपने हिप की प्रॉब्लम को लेकर आए थे। ये यूट्यूब के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं और इनके लेफ्ट हिप के अंदर एडवांस्ड एवास्कुलर नेक्रोसिस था, जिसकी वजह से इनकी टांग में शॉर्टनिंग भी थी। कितनी छोटी थी टांग? तकरीबन 1.5 इंच। 1.5 इंच के करीब इनकी टांग छोटी थी और इनको उठने बैठने में और चलने में लंगड़ापन था और काफी दर्द था। इनके दूसरे हिप के अंदर भी ग्रेड 2 एवियन चेंजेस थे, जिसके बारे में हमने काफी डिस्कशन किया और हमने इनके राइट साइड पर कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी करी है और लेफ्ट साइड पे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करी है मसल स्पेरिंग टेक्निक से। तो आज हम इनसे जानते हैं कि 48 आवर्स में क्या फील कर रहे हैं, क्या इनका एक्सपीरियंस है। तो आरजू, ये बताइए कि आपको जो हिप में दर्द था पहले सर्जरी से पहले, क्या वो दर्द है आपको भी? नहीं, अभी वो दर्द नहीं। वो दर्द तो ये प्रैक्टिकली मेरे 100% पेशेंट्स हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद जो हिप के अंदर से दर्द आ रहा होता है, जो कूल्हा खराब होने से दर्द होता है, वो चला जाता है। आपने चलना शुरू किया? जी सर। जिस साइड का हिप रिप्लेसमेंट हुआ उस पर पूरा वेट डाल रहे हैं? बिल्कुल पूरा वेट डाल रहे हैं। और आपको लगता है आपकी टांग बराबर है? बिल्कुल। अब इक्वल लगती है, लाइक बिल्कुल। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकल रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है चलने में? जी सर। यस। तो अभी करीबन 48 आवर्स हुए हैं और अब हम इनको स्टेयर क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। बेसिकली इनका रिहैबिलिटेशन थोड़ा सा हमने स्लो किया है क्योंकि इनके राइट साइड पे कोर डिकम्प्रेशन भी हुआ है और उस साइड को थोड़ा सा प्रोटेक्शन हम देते हैं शुरू के कुछ दिनों में, और जैसे जैसे ये हील करते जाएंगे तो एकदम इनको नॉर्मल लाइफस्टाइल में हम डाल देंगे बहुत ही जल्दी। तो कुछ आपको अभी इस समय क्या क्या महसूस करते हैं? खाना वाना ठीक खा पा रहे हैं? भूख ठीक लग रही है? 24 आवर में जो भी प्रॉब्लम थी वही, इसके बाद सब कुछ ठीक है। इसके बाद खुद से चल भी गया हूँ, खुद से उठ के वॉशरूम तक गया, वॉशरूम भी खुद ही गया हूँ मैं। हाँ। किसी का सहारा नहीं लिया मैंने। हाँ। बेसिकली बिना किसी के गाइडेंस के, बिना किसी सुपरविजन के टॉयलेट भी जा पा रहे हैं खुद से, और करवट ले लेते हैं बेड में? जी अपने ले रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह सर कि सर्जरी करने के बाद जो पेन होता है वो मेरे पास पेन बिल्कुल नहीं था।
एक बार और सर्जरी कराई पाल्स वगैरह की, लेकिन इस सर्जरी में मुझे काफी कंफर्टेबल महसूस हुआ है। मुझे लगा था मैं वो चिल्लाऊंगा ये वो मुझे बिल्कुल नहीं आया मेरे अंदर। सबसे बड़ी बात है जिस टेक्निक से आपने किया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि आप, हम अक्सर पेशेंट्स को बताते हैं कि जब मसल्स को टिश्यूज को रिस्पेक्ट करते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर है उनको मिनिमम डिस्टर्ब करते हैं तो पेशेंट को पेन ना के बराबर महसूस होता है। और ऐसा ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं क्योंकि इनकी पहले कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से इनको लग रहा था कि इनको दर्द होगा लेकिन इनको ना के बराबर दर्द है और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। और हम चाहते हैं कि हर पेशेंट को हम ये चीज़ दे पाएं, जो भी हमारे पास आता है जो भी हमसे ट्रीटमेंट लेता है हर पेशेंट को हम ये वर्ल्ड क्लास टेक्निक से वर्ल्ड क्लास हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करके दें ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस जा सके। मैंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने दिखाया लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन कहीं से नहीं मिला। मैंने 40 और बहुत सारे, लेकिन जब मैंने आपका वीडियो देखा काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, सेटिस्फेक्शन आपसे मिलने का बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपने बॉस जो हमारे सीनियर उनसे भी मिला, उनका भी कॉन्फिडेंस जाएगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा कि आप, मैं कम्फर्टेबल हूँ, कुछ दिनों के बाद ऑफिस भी ज्वाइन कर पाऊँ। यस बिल्कुल, बस ये चाहता था सर, जो मुझे सेटिस्फेक्शन हमारी फैमिली को भी पूरी तरीके से और मेरे अंदर भी पूरा कॉन्फिडेंस है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच आरजू हम पे ट्रस्ट करने के लिए और हमारे पास आने के लिए। मैं अपने जितने भी साथी है उनको भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनको, जाहिर सी बात है मैं आपको रिकमेंड हमेशा करूंगा सर, जो भी एसीएफ के जिनको प्रॉब्लम है या किसी को बोन्स की प्रॉब्लम है मैं चाहूंगा वो आपके पास आए, आपसे मिले, आपसे मिल के अच्छा लगा, आपने काफी मेरी हेल्प की। आरजू पैर को ऊपर ले लो, दोनों पैरों को ऊपर खींचो। सो जैसा कि हम देख सकते हैं इनकी दोनों पैरों की इस समय लंबाई लेग्स की बिल्कुल सेम हो गई है। ये अगर हम इनकी बोन देखें तो ये भी सेम लेवल पे आ गई है और अगर हम इनकी हील्स को देखें तो हील भी सेम लेवल पर आ गई है। सो ठीक लग रहा है चलने में? बिल्कुल, लेग लेंथ बराबर लग रही है? बिल्कुल, एकदम इक्वल जी, मिलीमीटर टू मिलीमीटर जी। वेरी गुड। सो बेसिकली जब हम स्पेशल टेक्निक से लिम लेंथनिंग करते हैं इसमें पेशेंट को हार्डली कोई डिस्क्रिपेंसी रहती है सर्जरी के बाद, लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल हो जाती है। सर्जरी को कितना टाइम हो गया आज? आज 7 वीक हो गए। 7 हफ्ते हो गए। बताओ क्या एक्सरसाइज कर रहे हो आप? अभी मैं ये एक्सरसाइज ये जो है सीधे हो जाओ, ऐसे करना 10 में ये ठीक ठीक। और किस साइड की सर्जरी हुई है? लेफ्ट साइड की। ठीक है आ जाओ। जब हम पेशेंट्स को फ्लोर पे इंडियन टॉयलेट पोजीशन में बैठने के लिए या स्क्वाटिंग या नमाज पोजीशन जो होती है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका एक पार्ट है ये, जरा करके बताइए। सीधा हो जाइए। यस वेरी गुड, ठीक है। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है आ जाओ। सो आज आरजू की सर्जरी को करीबन 7 महीने हो गए हैं। ये इनका लेफ्ट साइड के THR में इम्प्लांट बिल्कुल अपनी जगह पे अपनी पोजीशन लिए हुआ है। ये कोर डीकम्प्रेशन इनका राइट साइड पे हुआ था, उसमें भी इनको सिग्निफिकेंट रिलीफ है, थोड़ा पेन है बट मैनेजेबल है। तो इनकी मूवमेंट्स देखते हैं कैसी मूवमेंट्स हैं, क्या ऐसा फील कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि आपको ऑपरेशन के आज 7 महीने हो गए, जो ऑपरेशन से पहले आपकी हालत थी और जो अब आपकी सिचुएशन है, आपको क्या लगता है क्या फर्क है? और फर्क है सर, कि मैं पहले चल नहीं पा रहा था, मैं स्टिक पे चलना शुरू हो गया था धीरे धीरे, बाद में बिल्कुल सारी मूवमेंट कर पाता, मेरे पैर भी फिर तो सारे दिन में आराम से घूम गए, चल फिर नहीं पाता, जॉगिंग भी कर लेता हल्का फुल्का। फिर जॉगिंग कर लेते हो, चल पाते हो जी, साइकिल चला लेते हो, नमाज पढ़ लेते हो आराम से, पाँचों वक्त की पाँचों वक्त की नमाज पढ़ते हो नीचे बैठ, परफेक्ट। होता था, अपने चलने से पता लगता है कि इनको कुछ नहीं? अब तो बिल्कुल नॉर्मली चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो दूसरी चीज ये समझने की है कि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको दोनों तरफ एवियन होता है और हम एक तरफ का हिप जो है ज्यादा खराब जो नहीं है उस तरफ कोर डिकम्प्रेशन करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं और दूसरा हिप जो ज्यादा खराब है उसमें THR करते हैं यानी कि हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा है कि जिस साइड का हिप रिप्लेसमेंट हो गया जब वो साइड पूरा लोड लेना शुरू कर देती है तो दूसरी साइड को बहुत आराम मिल जाता है और उसके दूसरे साइड की सर्जरी की कई बार बहुत समय तक जरूरत नहीं पड़ती अगर ऑलरेडी आपका हिप पूरी तरह से खराब नहीं है। मतलब अगर आप Stage 2 या Stage 3 में हैं दूसरी साइड पे तो बहुत सारे पेशेंट्स के कुछ साल निकल जाते हैं। हालांकि हर पेशेंट डिफरेंट होता है, कई पेशेंट्स को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है हमें करना पड़ता है हिप रिप्लेसमेंट, लेकिन मैंने देखा है कि 70-80% पेशेंट्स बिल्कुल आजू की तरह रिस्पॉन्ड करते हैं कि अब इनकी सर्जरी को 7-8 महीने हो गए इनको राइट साइड पे कोई तकलीफ ज्यादा नहीं है। फील जरूर करते हैं ऑफकोर्स जिस साइड पे हिप रिप्लेसमेंट हुआ वो पेन फ्री है और जिस साइड पे कोर डिकम्प्रेशन हुआ उस साइड में थोड़ा सा दर्द है। मैंने जो बोला था जिस साइड पे हुआ है उस साइड में बिल्कुल दर्द है ही नहीं, मुझे पता भी चलता है कि उस साइड मेरे को कोई सर्जरी हुई है आज के डेट में, मैं फील ही नहीं करता कुछ। जो थोड़ा बहुत राइट पे वो भी मैं ज्यादा देर तक बैठने पे होता है, जैसे जब मैं नॉर्मल चलता हूँ तो बिल्कुल मूवमेंट पता नहीं चलता, मुझे खुद नहीं पता होता है कि वो दर्द है कि नहीं, वो हो सकता है बैठने से ज्यादा देर तक होता है इस वजह से। बाकी मैं मेरा नॉर्मल काम जो है बैठने का ज्यादातर चल मूवमेंट तो जितना चाहता हूँ उतना कर लेता हूँ। क्या काम करते हो? मैं ज्यादातर मेरा काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, ऑफिस से प्रोडक्शन तक जाना थोड़ा बहुत कभी फील्ड में कभी जरूरत हुआ तो चला। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं ये एडमिन हेड है अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर सीट पे बैठ के कंप्यूटर पे काम करना, फाइल वर्क करना या फिर जाके साइट विजिट करना ये इनका काम है और उसमें ये इनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी प्रेयर्स करने में इनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है और अपने रूटीन के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एरिया में मेरे थर्ड फोर्थ मंजिल पे मैं आराम से चला जाता हूं, संडे वनडे हुआ तो आराम से कोई फील नहीं होता, चल भी लेता हूं। कोई भी पेन किलर लेते हो आप? कोई पेन किलर आज के दिन नहीं लेता हूं। यही कोशिश करी थी कि जितने साल निकल जाए इस साइड पे हम उतना निकालने की कोशिश करेंगे। इनके एक्सरे में भी कोई फर्दर कोलैप्स नहीं हुआ है उसका जो राइट साइड के फीमर हेड का। कुछ मूवमेंट देखेंगे सर, एक बार आप जरा आ जाओ। किस साइड की सर्जरी हुई है? लेफ्ट। आ जाओ। वेरी गुड। जरा एक बात, सबसे पहले तो आप मुझे नमाज पोजीशन में बैठ के दिखाओ। वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल आराम से ये प्रेयर पोजीशन में आ रहे हैं। काफी देर भी बैठ सकता आधा घंटा, फ्राइडे की नमाज में तो ज्यादा देर बैठना पड़ता है तो मैं आराम से 15 मिनट आराम से सजदे में जाके बताइए। बहुत बढ़िया, मेरी ये मूवमेंट बहुत अच्छी थी, मैं बिल्कुल स्टार्ट ऐसे कर रहा था जो मेरा पैर बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, बहुत ही ज्यादा पेन था। क्या दिक्कत होती है? मतलब ऐसे लगता था कि जैसे पेन मतलब बदाज से बाहर होता पैर ऐसा भी था कि चौड़े नहीं होते थे, खुलते नहीं, बिल्कुल नहीं पैर खुलते नहीं, खुलना ही बंद हो गया। तभी तो मैंने स्टिक पकड़ लिया था, स्टिक के सहारे चल रहा था। फिर मैं आपसे मिला, आपने मुझे एडवाइस किया, कई डॉक्टर से मिला था, उन्होंने कहा कि दोनों भी करना पड़ेगा। फिर मैंने अपने वो पेरेंट्स से मिलाया तो आपने बोला नहीं जिसकी जरूरत है, वो डिसीजन बहुत अच्छा रहा और बिल्कुल रिलीफ महसूस कर सारे काम कर पा रहा हूँ जो पहले नहीं कर पा। ये बात होती है कि एक तरफ Stage 2 है एक तरफ Stage 4 है तो हमें कैसे करना चाहिए, हमें क्या दोनों तरफ THR करना चाहिए या एक तरफ कोर डिकम्प्रेशन करना चाहिए। काफी कॉमनली मुझसे लोग लाइव प्रोग्राम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो जिस पेशेंट का हिप सेव किया जा सकता है उसका हिप हम सेव करने की कोशिश करते हैं, चाहे इसमें 7 साल निकले, 10 साल निकले, 15 साल निकले, हम उतना टाइम उस हिप को देना चाहते हैं। और एक साइड का हिप कर लेने से हिप का जो वेट है नॉर्मल साइड रिप्लेस हो गई, वो पूरा वेट लेने लगती है तो दूसरे को रिकवरी का भी टाइम मिलता है। और क्या क्या मूवमेंट्स आप कर लेते हो रूटीन में? ज्यादा तो डाइनिंग टेबल पे खाना होता है आराम से बैठ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक बार लेट किया मतलब जो पैरों की लेंथ है बिल्कुल इक्वल है। और यहाँ से देखें या फिर हम इनके जो मिडिल मैल्यूलस से हम देखते हैं हमेशा ये जो दोनों बोन है ये बिल्कुल सेम लेवल पे है, हील सेम लेवल पे है। इस टांग को ऊपर उठा के दिखाइए जरा इसको, दूसरी को भी, बहुत बढ़िया ऊपर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूध छोड़ दीजिए।
सो बेसिकली हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम अचीव करना चाहते हैं पेन फ्री मूवमेंट, कोई दर्द नहीं हो, लेग लेंथ इक्वल यानी कि दोनों टांगों की लेंथ मिलीमीटर टू मिलीमीटर मैच हो जाए, और हम चाहते हैं कि पेशेंट अपनी रूटीन की सारी एक्टिविटीज कर सके, हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, चाहे वो क्रॉस लेग सिटिंग हो, चाहे वो नमाज पढ़ना हो, चाहे वो कोई भी और मूवमेंट हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि एक साथ हम हिप रिप्लेसमेंट और कोर डीकंप्रेशन कर सकते हैं और सक्सेसफुली कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमने THR सही इंडिकेशन के लिए किया और कोर डीकंप्रेशन भी सही इंडिकेशन के लिए सही टेक्निक से किया, तो इसके सक्सेस रेट्स बहुत अच्छे हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।